तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ, ये देख सकते हैं मेरा जो गेम है वो बिल्कुल स्मूथ 16 एफपीएस पे चल रहा है। अभी यहाँ पे ये जो मैं की का टच करके दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि वीडियो फेंकने कुछ होते हैं ना लोग, वीडियो प्ले करके आपको दिखा देते कि हमारे लो एंड पीसी में चल रहा है। फ्री फायर बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। अब इस लैपटॉप का पहले तो मैं मॉडल नंबर आपको शेयर करूंगा प्रूफ के तौर पे कि ये लैपटॉप हैवी नहीं है। आगे जाके मैं इसकी स्पेक्स भी दिखाऊंगा, इस लैपटॉप में कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं है। तो यहाँ पर हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं इस लैपटॉप की प्रॉपर्टीज में चलता हूँ। वही लैपटॉप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो के एंड में भी कर दूंगा, मैं फेक वीडियोस नहीं बनाता, इजी हो जाए। अब इस लैपटॉप के अंदर इंटेल कोर i5 है M560, ये इनबिल्ट इन लैपटॉप्स के ऊपर आता है। ये i5 जनरेशन के सबसे ओल्डेस्ट प्रोसेसर में से आता है, मतलब इंटेल कोर 2 क्वाड वाली परफॉर्मेंस ये प्रोसेसर देते हैं। उसके नीचे आपको जो रैम है, जिस तरह मैंने बताया 2GB रैम वाला वेरियंट है, बट मैंने 2GB रैम बढ़ाकर लगाई है कस्टमर की डिमांड पर। एक चीज दिखा देता हूँ, ये जो ग्राफिक कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है ना, ये 64MB है। ये ग्राफिक कार्ड माना नहीं जाता, सिर्फ डिस्प्ले देने के लिए होता है। एक और प्रूफ आपको दे देता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले अडॉप्टर में जाके यहाँ पे क्लियरेंस आपको दिख जाएगा। इधर आप देख सकते हैं सारी डिटेल आपको इधर ही मिल गई। मैंने वीडियो को पॉज कर दिया है, आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन रन करके दिखाने वाला हूँ। अब इसके अंदर मैंने जो एमुलेटर यूज करा है उसके अंदर आपको VT की जरूरत नहीं है, न ही ग्राफिक कार्ड की जरूरत है। इवन कि आप अपने 1 और 2GB रैम वाले PC या लैपटॉप में भी रन कर सकते हो। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एमुलेटर हमारा चल चुका है। अभी इसके अंदर मैंने कुछ गेम्स इंस्टॉल करे। पहले आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 4 इसके अंदर मिलता है। सबसे पहले तो मैंने पर्सनली इसके अंदर WhatsApp इंस्टॉल करा है, जो कि मोस्टली लोग WhatsApp के लिए भी कई एमुलेटर्स ढूंढ रहे होते हैं। ये देखिए इसके अंदर WhatsApp परफेक्टली चल रहा है। फ्री फायर जो है वो यहाँ पर अभी के अपडेट में इसमें नहीं चल रहा, एंड्रॉइड वर्जन का इशू दे रहा है, जो कि हमारी बहुत ही कोशिश है कि अगले अपडेट में फ्री फायर ये भी प्रॉब्लम सोल्व कर देगा। और मैंने जो स्टार्टिंग में आपको प्रूफ दिया था ना, बिल्कुल भाई कोई और एमुलेटर का प्रूफ था, वो वीडियो आने वाली है, थोड़ा सा वेट कर लेना। इसी लैपटॉप के ऊपर फ्री फायर चला के मैं आपको दिखाऊंगा। इस स्पेसिफिकेशन के ऊपर आपको यूट्यूब पे कोई पबजी नहीं चला के दिखाने वाला, पबजी फ्री फायर से थोड़ा हैवी है, तो पबजी भी चला के आपको दिखाने वाला हूँ इसके ऊपर मैंने। अब उसके बाद हमने इसके अंदर बहुत सारे गेम्स चलाए, जो कि मतलब यार बिल्कुल स्मूथ चल रहे थे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा था। अब ये जो एमुलेटर है ये आपको क्यों कंसीडर करना चाहिए, ये उन यूजर्स के लिए है ज्यादातर जिनको गेमिंग नहीं करनी, छोटे मोटे गेम्स खेले। ये एमुलेटर के अंदर आप व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हो, एक प्लस पॉइंट है, जितने भी एप्लीकेशन है वो रन कर सकेंगे। ये विदाउट VT भी इसलिए चल जाता है, इसमें एंड्रॉइड 4 है और ये ब्लूस्टैक्स 1 के ओल्डर वर्जन में से आता है। वब टाइम पे लैपटॉप्स में इतना VT शीटी का लोचा नहीं होता था, इसलिए चल जाता है। अब ये जो एमुलेटर है इसके अंदर आपको इनबिल्ट की मैपिंग भी देखने के लिए मिलती है, आपको इसके अंदर की मैपिंग करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ज्यादातर गेम्स की मैपिंग ये खुद ही दे देगा। तो अभी यहाँ पे मैं एक चीज आपको पहले ही दिखा दूं, यहाँ पर मैं एप्लीकेशंस तो रन कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन अभी नीचे जाकर ना मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये वही लैपटॉप है। ये ना बोलो कि इस बंदे ने वीडियो कट करी है, ये देख सकते हैं वही मॉडल नंबर। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।